Hi guys, I'm performing in Karachi on 14th of July at Port Grand. Tickets are available now. You can buy them by following this link or calling these numbers. I'll see you on 14th. Bye. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आदिल शेख फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मेंस नॉटी। जी आज हम जो जिस सेलिब्रिटी को देखेंगे उनका नाम है फरहान सईद। बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। जी इनका आप शुरू करते हैं। अच्छा, मॉडल टाउन में पैदा हुए लाहौर पंजाब में। इनका पूरा नाम है फरहान सईद भट्ट साहब हैं और इन्होंने जो एजुकेशन है वो इनकी क्रिश्चियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल किम्स, जो इन्होंने स्कूल किम्स से इन्होंने अपनी जो है वो मैनेजमेंट की स्टडी की है और जो स्कूलिंग है वो क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस से वहाँ से भी इन्होंने अपनी स्टडी की है। और ये पहचाने जाते हैं अपने जो जल बैंड, ठीक है, जो जल बैंड था उसी वजह से अपने पहचाने जाते हैं। उनका जो काम था जिसमें इनको बड़ा ही अच्छा समझा इनका काम, वो उडारी ड्रामा था और सुनो चंदा, ये इनका फेमस ड्रामा यानी के। उसके बाद जो ईयर एक्टिव ड्रामों में जो शुरू किया वो 2003 में इन्होंने अपना आगाज शुरू किया। और ये सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर भी हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने जो कैफ़े रॉक हैं लाहौर में उसके ये ऑनर भी हैं, जो लाहौर में कैफ़े रॉक है उसके ये ऑनर भी हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया। और ये कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए और उसके बाद इन्होंने जो इनका एक जल बैंड था वो इन्होंने बता 2003 में इन्होंने फिर जल बैंड जो था वो इन्होंने ज्वाइन किया 2003 में। आतिफ असलम को मतलब इन्होंने रिप्लेस किया था क्योंकि वो भी पहले हिस्सा थे ना इसका, तो आतिफ असलम भी तो उनको रिप्लेस किया था इन्होंने 2003 में। फिर उसके बाद इनकी जो सॉन्ग हैं वो काफ़ी सॉन्ग आए हैं। फिर एज अ डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया, ओ जाना 2018 में जो थी वो उसमें इन्होंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया। फिर टेलीविज़न में इन्होंने दे इजाज़त जो तू ये इनका ड्रामा, फिर उसके बाद 2015 में मेरे अजनबी, इसी तरह इनकी भी काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने ड्रामे वगैरह सब कुछ किए हैं। तो आपने मुझे बताना, ठीक है, और तब तक के लिए आदिल शेख की तरफ से अल्लाह हाफिज़।